भागलपुर जिले में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर कई गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ ग्रसित इलाके के बाढ़ पीड़ित लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं, जहां जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर लगाया गया है। और आज भागलपुर जिले के डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसडीओ, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने नाथनगर के चर्च मैदान और महाशय ड्योढ़ी का निरीक्षण किया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर में समुचित व्यवस्था, पानी, बिजली, सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है और छोटे छोटे बच्चों को दूध भी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। अगर व्यवस्था में कमी हुई तो तुरंत कमी को पूरा किया जाएगा। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है और कोविड 19 के गाइडलाइंस का भी पालन करने के लिए बाढ़ पीड़ितों को रोजाना कोविड भी जांच की जाएगी। अगर कोई संक्रमित पाए जाते हैं तो उसके लिए मेडिकल टीम लगाई जाएगी। वहीं पीजीटी विभाग के जेई कोई फटकार लगाया गया और कहा जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे बाढ़ पीड़ितों के साथ उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो शिविर निरीक्षण किया गया, देखिए गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, खतरे के निशान से नदी ऊपर है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सब तरफ हो जाएगा, तो खतरे के निशान से ऊपर है और जो HFL है यहाँ का, जो उसको भी उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि एक दो दिन में उसको भी नदी टच कर लेगी। तो हम लोग पूरी व्यवस्था रख रहे हैं, जो भी लोग आए हैं विस्थापित होकर के उनके रहने खाने शौचालय पेयजल की व्यवस्था, और कोविड के टाइम में सिविल सर्जन को और उनकी टीम को निर्देश दिया गया है कि लगातार कैंप में कोविड की जाँच करते रहें कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसको इमीडिएटली अलग कर दिया जाए ताकि संक्रमण न फैलने पाए, और जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लिया है उनका वैक्सीनेशन करा दें। ये सब सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जहां भी जो कमी है वो एक से दो दिन में दूर कर ली। सर, किचन समुदाय किचन की कहां-कहां व्यवस्था की गई है? जहां भी लोग रहेंगे सामुदायिक किचन छोटे छोटे ग्रुप में, जहां भी 200 लोग 250 लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, 100-150 लोग भी हैं, वहां हम लोगों ने कम्युनिटी किचन चलाने के लिए SDO और CO को प्राधिकृत कर दिया। सर, ऐसे कई जो बाढ़ ग्रसित इलाका है जो कि उसको बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया गया, इसके लिए क्या? इसमें घोषित करना नहीं होता है। जहां पानी आ गया, चूल्हा बंद है, लोग विस्थापित होकर के अपने परिवार के साथ मवेशी के साथ आ गए हैं, वो एरिया बाढ़ प्रभावित है, उसको कोई घोषित करने का नियम नहीं है।